हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए अरबी के पत्तों की पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे कई जगह पात्रा और रिक्वज भी बोलते हैं। इस बारिश के मौसम में इस अरबी के पत्तों की पकौड़ी हमारे यूपी में बहुत ज़्यादा बनाई और खाई जाती है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और ये एक तरह की यूनिक रेसिपी है। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ पत्तों को धो लिया है, अच्छे तरीके से साफ करके रख लिया है। अब आइए हम पेस्ट बनाते हैं जो इन पत्तों पर हम लगाएंगे। इसके लिए मैंने एक कटोरी चावल का आटा, आधा कटोरी बेसन, थोड़ा सा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना कर रख लिया था वो डाल दिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच सब्जी मसाला पाउडर, इसमें मैंने एक चम्मच अमचूर पाउडर डाला है और एक चम्मच नमक डाला है। ये मैंने पिंक साल्ट डाला, आप कोई भी साल्ट डाल सकते हैं। थोड़ी सी अजवाइन और ये हींग ऐड कर दिए। इन सबको अच्छे तरीके से मिला लेना है। इसको आप चाहे तो चावल को भिगोकर उसका पेस्ट बनाकर भी बना सकते हैं, पर मेरे पास चावल का आटा था तो मैंने उसको यूज किया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक थिक पेस्ट बनाना है। पानी धीरे धीरे मिलाना है, पेस्ट बहुत पतला नहीं बनाना है, गाढ़ा ही बनाना है। गाढ़ा बनाने पर ये पत्तों पर अच्छी तरीके से चिपकेगा। धीरे धीरे पानी मिलाते रहेंगे और एक थिक पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट में नींबू और खटाई पाउडर डालना बहुत ही जरूरी है, जो कि ये हमारे पत्तों में जो खराश होती है या खाने पर जो गले में खिचखिच होती है उससे ये दूर हो जाता है। ये पेस्ट बनाने के बाद इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल ऐड कर दिया है। अब इधर आइए, पत्तों को तैयार कर लेते हैं। ये अरबी के पत्ते हैं, इसके मैं स्टेम्स काट ले रही हूँ। इस तरीके से हल्के हल्के छील कर काट लेना है, बहुत ज़्यादा हल्के हाथ से काटना है तो पत्ते टूट जाएंगे। इसको लेते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके पत्ते थोड़े गाढ़े कलर के हों, जो एकदम हरे हरे होते हैं वो गले में लगते हैं। इस तरीके से पत्तों को बिछाकर मैंने बेलन से हल्का सा इसको प्रेस कर लिया है। ये करने से इसकी स्टेम्स दब जाती हैं और पत्ते अच्छे से चिपकते हैं। अब इन सबको फैलाकर मैंने जो पेस्ट बनाया था वो इस पर अप्लाई करना है, जिससे पत्ते सारे अच्छे तरीके से चिपक जाए। अब ये थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगाकर मैं पत्तों को लगा ले रही हूँ एक दूसरे पर। इनको लगाते समय आप इस बात का ध्यान दें कि सबसे बड़ा पत्ता सबसे नीचे रखें। ये देखिए, मैंने बड़ा पत्ता छोड़ दिया था, उसको मैं पहले लगा ले रही हूँ, जिससे आपका रोल बहुत टाइट बने और बहुत अच्छा बनता है। इससे ये पेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही लगाना है, जिससे पत्ते अच्छी तरीके से आपस में चिपक जाए और बनाते समय या काटते समय ये टूटे नहीं। सब पत्तों में मैंने ये पेस्ट को अच्छे तरीके से लगा लिया है। एक रोल बनाने के लिए करीब 10 पत्ते मैंने लिए हैं। आप चाहें तो जिस तरीके का आपको अपना पकौड़ा बनाना है, ज़्यादा बड़ा बनाना है, तो आप एक ही रोल में ज़्यादा पत्ते लगाइए। देखिए, मैं देख रही हूँ रोल इससे बनेगा टाइट या नहीं। अगर आप बहुत कम पत्ते लगाएंगे तो आपका रोल जो है उतना टाइट नहीं बनेगा। अब इन सारे पत्तों को अच्छे तरीके से लगाकर ये देखिए, मैं एक टाइट रोल बना रही हूँ। इसको बहुत ही धीरे धीरे एकदम टाइटली रैप करना है। रैप करने के बाद इसको ध्यान से देखना है, ये पत्ते कहाँ कहाँ से छूट रहे हैं। जहाँ जहाँ से छूट रहे हैं वहाँ पर हमें वही वाला घोल फिर से अप्लाई कर देना है। सबको अच्छे तरीके से अप्लाई करके देखिए, लगभग मैंने 3 रोल बना लिए हैं। यहाँ पर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इन पत्तों को हम भाप में पकाएंगे। इसको भाप में पकने के लिए 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। ये बहुत अच्छे तरीके से इसको पकाना है। इस तरीके से ये भाप में पक जाएंगे। थोड़ी देर ठंडा करने के बाद से मैं इसको बारीक टुकड़ों में काट ले रही हूँ। ध्यान रहे इसके जो पीसेज हैं बहुत मोटे नहीं करने हैं, जितने पतले होंगे उतने कुरकुरे और अच्छे बनेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से पक गए हैं, कितनी अच्छे से कट रहे हैं ये। इस तरीके से हमें काट लेना है। ये देखिए कितना टाइटली रैप हुआ था, इसलिए इसके जो है लच्छे कितने अच्छे से बने हैं। इस तरीके से 3 रोलों को मैंने काट लिया है।
ये देखिए कितना टाइटली रैप होके कितना अच्छा रोल बना है, इसके कर्ल कितने अच्छे आए हैं। अब आइए इसको हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। अब फ्राई करने के लिए कोई भी तेल का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने रिफाइन ऑयल लिया है, पर सरसों के तेल में बनाइए तो और अच्छा बनता है। अब मैंने वही जो घोल था उसी को पतला कर लिया है और उसमें ये पत्तों को जो पकौड़ी बनाई है उसको थोड़ा सा रैप करके छान लूंगी। इसको अच्छे तरीके से छानना है, इससे हमारे पकौड़े बहुत कुरकुरे बनते हैं। ये देखिए इसको मैं बारी बारी से डाल रही हूँ। अगर आपको और क्रिस्पी चाहिए तो आप इसमें 2 चम्मच चावल का आटा और डाल लें इस पेस्ट में, फिर इसको मिलाकर वो करें, फ्राई करें, तो ये और भी क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। बारिश के मौसम में इन पकौड़ों को खाने का एकदम अलग ही आनंद है। ये हमारे शुद्ध देसी स्टाइल के पकौड़े हैं। इस तरीके से बारी बारी से हम सबको छान लेते हैं। इसको खूब अच्छे से एकदम रेड कर लेना है। आप चाहें तो ग्रेवी बनाकर इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। हमारे अरवी के पत्तों की गर्मा गर्म पकौड़ी बनकर तैयार हो गई है। इसको सर्व कर लेते हैं। आप चाहें तो इसकी ग्रेवी बनाकर इसकी सब्जी भी बना सकते हैं, वो खाने में और भी स्वादिष्ट होती है। इस रेसिपी को आप इस बारिश के मौसम में ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।